ये सर भाई बात करें बिनौला खल की तो देख रहे हैं कि 2582 पर है, अभी भी 2592 का हाई लगा चुका है, आधे फीसदी की तेजी है। आपको क्या लगता है क्या बिनौला खल अभी कुछ समय और इसी दायरे में कारोबार करता हुआ रहेगा या फिर बिनौला खल में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी? जिस हिसाब से देख रहे हैं कि जो कॉटन की जो फसलें हैं वो खराब होती हुई नजर आ रही हैं और कॉटन की जो क्रॉप है उन पर कीटों का प्रकोप है, क्या उसकी वजह से बिनौला खल में कुछ छुटमुट तेजी बनती हुई नजर आ पाएगी? देखिए बिल्कुल बिनौला खल में अभी थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड भी है और हमने अभी बाइंग का भी रिकमेंडेशन दिया था कि नीचे आप इसके अंदर बाय करके चल सकते हैं और मुझे लगता है कि 2600 के ऊपर की अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो 2700 तक तो बिनौला खल जा सकता है। जी यानी कि अगर बिनौला खल 2600 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आता है, क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है, सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती है तो बिनौला खल की कीमतें रूपा जी के अनुसार ऊपर में 2700 तक का स्तर दिखलाती हुई नजर आ सकती हैं।